शिवानी, खबर एक्सपर्ट में आपका फिर से स्वागत है। आपने मेरी पिछली वीडियो में तो देखा ही होगा कि नेता कैसे एक दूसरे को चुनौती देने में जुट गए हैं और बीजेपी को लोकसभा चुनाव की रेस से बाहर निकालने के लिए तरह तरह की योजनाएं भी बना रही है। आपने इस पर ध्यान दिया है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ होली भी आ रही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि होली क्यों और किस कारण से बनाते हैं और खासकर वृंदावन और गोकुल में। लेकिन वृंदावन गोकुल में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, आइए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ मथुरावन यानी वृंदावन और गोकुल की गलियों में कि वहाँ होली क्यों मनाई जाती है। क्या आपको इसका कारण पता है? आपको ये तो पता होगा कि होली कब है, क्या आपको पता है इसे क्यों मनाया जाता है? आपको ये तो पता होगा कि होली रंगों का त्योहार है जिसे सुनकर उत्साह की भावना उत्पन्न हो जाती है मन में, जिसे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक एक साथ मिलकर खुशियों में मनाते हैं। हमारे भारत वर्ष जैसा पूरे विश्व में दूसरा कोई देश नहीं है जहाँ बिना किसी भेदभाव के मिलकर यह त्योहार खुशियों में मनाते हैं। यह त्योहार हिंदुओं का धार्मिक और प्रमुख त्योहार है लेकिन इसे हर जगह हर धार्मिक के लोग मिलकर मनाते हैं। यह त्योहार एक दूसरे के प्रति स्नेह और निकटता बढ़ाता है। हमारे देश में जितनी भी त्योहार मनाए जाते हैं उनके पीछे पौराणिक और सच्ची कथा छुपी हुई होती है। ठीक उसी प्रकार होली के रंगों के पीछे भी बहुत सी कहानियां छुपी हुई है जैसे प्रहलाद और उनके भक्ति की। माना जाता है प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप असुर नाम का एक विशाल राजा हुआ करता था जिसे भगवान द्वारा एक वरदान प्राप्त था कि उसे इंसान और जानवर नहीं मार सकता, ना ही दिन में ना ही रात में, ना ही घर के अंदर और ना ही घर के बाहर, ना ही अस्त्र से और ना ही शस्त्र से, ना ही धरती पर और ना ही आकाश में। ये असीम शक्ति होने के कारण वो बहुत ही घमंडी हो गया था और अपने प्रजा के लोगों पर अत्याचार करता था और भगवान की बजाय खुद को भगवान समझने लगा था और प्रजा के लोगों को शिव जी की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने के लिए कहता था। हिरण्यकश्यप अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था जो कि भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, उसका नाम प्रहलाद था। एक राजा का पुत्र होने के बावजूद भी वह अपने पिता की न सुनकर विष्णु की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप के खौफ में आकर लोग उसकी पूजा करने लगे सिवाय प्रहलाद के। राजा को ये बात मंजूर नहीं थी और उसने काफी प्रयास किया कि उसका बेटा शिव की भक्ति छोड़ दे लेकिन वो हर बार असफल हो जाता। इसी क्रोध में आकर उसने अपने ही पुत्र की मृत्यु का फैसला लिया। उसने इस घिनौने चाल में अपनी बहन होलिका की सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था जिसे उसमें एक वस्त्र मिला था कि जब तक होलिका के तन पर यह वस्त्र लिपटा रहेगा उसे कोई भी आग में जला नहीं सकता। राजा ने एक षड्यंत्र रचा और अपनी बहन को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर आग में बैठ जाए क्योंकि होलिका तो जल नहीं सकती, उन्हें तो वरदान प्राप्त है, लेकिन आग में उसका पुत्र जलकर भस्म हो जाएगा जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि उसकी बात ना मानने का अंजाम उसके पुत्र जैसा ही होगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तब प्रहलाद भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य है, इसलिए भगवान ने भी एक षड्यंत्र रचा। ऐसा तूफान आया जिससे होलिका के शरीर पर जो लिपटा हुआ वस्त्र उड़ गया और आग से न जलने का वरदान पाने वाली होलिका जलकर भस्म हो गई और अग्नि देवता ने प्रहलाद को छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग बुराई पर अच्छाई के रूप में देखते हैं और तभी से होली की शुरुआत की गई थी और होली को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते हैं और किसी किसी क्षेत्रों में तो किसान अच्छी फसल होने पर होली का त्योहार मना लेते हैं। होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है जिसमें लकड़ी घास और गाय के गोबर के ढेर में इंसान अपनी आग की बुराई को चारों ओर घूमकर आग में जला देता है। उसी दिन से भगवान विष्णु अपने मित्रों के साथ होली खेलने में विश्वास रखते हैं।
वह होली वृंदावन और गोकुल में खेलते हैं। यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में खासकर वृंदावन और गोकुल में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि होली के दिन क्या करना चाहिए। होली के दिन आपको नेचुरल और ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी फूड डाई। जब आप होली खेलने जाओ तो आपका शरीर पूरा कपड़ों से ढका होना चाहिए, ताकि कोई केमिकल रंग आपको लगाए तो आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो। होली खेलने के बाद अगर आपको कोई शारीरिक परेशानी होती है तो नजदीकी अस्पताल में जाकर तुरंत इलाज कराएं। और हाँ, अस्थमा पीड़ित व्यक्ति को फेस मास्क पहनकर होली खेलनी चाहिए। यदि और हाँ, अगर आप अपने सर पर कैप लगा लेंगे तो आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये था हमारा होली का टॉपिक। ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाती रहूंगी। आगे की जानकारी के लिए जब तक देखते रहिए हमारा चैनल खबर एक्सपर्ट।